कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वे लंबे समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को इस्तीफे के साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर कोसा। आजाद ने इस चिट्ठी में कहा कि आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई, खासतौर पर साल 2013 के बाद जब आपने राहुल गांधी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइड कर दिया गया, अनुभवहीन नेता पार्टी के मामले देखने लगे। आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी में कांग्रेस से जुड़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि छात्र जीवन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित हुआ था। उन्होंने लिखा कि साल 1975 से 76 में संजय गांधी के आग्रह पर जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। आजाद ने लिखा कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ भाव के दशकों तक पार्टी की सेवा की है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद पिछले काफी वक्त से कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के बागी गुट G23 के अहम सदस्य आजाद ने सोनिया गांधी को कांग्रेस में बदलाव को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी के बाद काफी बवाल मचा था। सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन आजाद ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए इस्तीफा दे दिया था। आजाद को राज्यसभा से रिटायर होने के बाद दोबारा उच्च सदन नहीं भेजा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से ज्यादा नाराज हुए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।